अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू नेम आवर वेरिएबल, राइट। तो रूल्स फॉर आवर नेमिंग वेरिएबल हम देखते हैं। ईच वेरिएबल मस्ट हैव अ यूनिक नेम और आइडेंटिफायर, यानी हर वेरिएबल का एक यूनिक नाम होना चाहिए या उसका आइडेंटिफायर होना चाहिए। नंबर वन, अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फाबेट्स, अपर केस और लोअर केस, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर साइन, यानी कॉम्बिनेशन होना चाहिए लोअर और अपर केस लेटर्स का, डिजिट्स का और अंडरस्कोर का। बट वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विद अ लेटर और अंडरस्कोर, यानी जो वेरिएबल का नाम है वो या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए या किसी लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, यानी ए से लेके जी तक। इट कैन नॉट बिगिन विद अ डिजिट, यानी किसी 1, 2, 3 किसी डिजिट से जो है वो स्टार्ट नहीं होना चाहिए। नंबर 3, रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल, क्योंकि रिजर्व वर्ड्स आर द प्री डिफाइंड वर्ड्स और हम उसको एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते, राइट। नंबर 4 पॉइंट क्या है, नो स्ट्रिक्ट रूल फॉर लेंथ ऑफ द वेरिएबल बट वी शुड प्रैक्टिस अ मीनिंगफुल लेंथ एंड कंसाइज नेम। वो हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है कि कितनी लेंथ का वेरिएबल होना चाहिए सी और सी प्लस प्लस में, लेकिन हम बेस्ट प्रैक्टिस के तौर पे जो है हम एक मीनिंगफुल लेंथ उसकी लेते हैं, यानी इतनी भी बहुत ज्यादा लेंथ नहीं हो जानी चाहिए वेरिएबल की, उसको यूज करना जो है वो मुश्किल हो जाए, एक कंसाइज तरह का जो है वो हम नेम रखते हैं, राइट। तो हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, इस एग्जाम्पल में से हमने फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से जो वेरिएबल नेम्स हैं वो वैलिड हैं और कौन से इनवैलिड हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंग जो हमने यहाँ पे पढ़े हैं, राइट। सबसे पहले हम इसको देखते हैं, अंडर से स्टार्ट हो रहा है और तमाम जो है इसमें लेटर है, सो दैट इज द वैलिड वेरिएबल नेम। अब ये वाला जो वेरिएबल है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है डिजिट से, और क्योंकि हमने पढ़ा था कि 1 से स्टार्ट होने वाला या किसी भी डिजिट से स्टार्ट होने वाला इनवैलिड वेरिएबल होता है। रोल नंबर दैट इज ऑल्सो वैलिड, ये भी वैलिड है। फ्लोट ये रिजर्व वर्ड है, इसको हम यूज नहीं कर सकते, ये डेटा टाइप है इन सी और सी प्लस प्लस केस, ये भी वैलिड है। ये जो है वो डॉलर साइन स्पेशल करेक्टर से स्टार्ट हो रहा है, हमने पीछे रूल्स में पढ़ा है कि स्पेशल करेक्टर में से सिर्फ और सिर्फ एक अंडरस्कोर ऐसा है जो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे नेम ये भी वैलिड है, ये इनवैलिड है क्योंकि ये इज इक्वल टू लगा हुआ है स्टार्ट में, और ये भी रिजर्व वर्ड है इसलिए इसको भी हम यूज नहीं कर सकते। कि गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस सजेस्ट दैट वी शुड गिव एप्रोप्रिएट नेम टू अ वेरिएबल दैट डिस्क्राइब इट्स पर्पस, यानी एक तो हमने लेंथ का देखा ना कि लेंथ उसकी इतनी मीनिंगफुल होनी चाहिए, एक उसका नाम जो हम रख रहे हैं वो भी मीनिंगफुल होना चाहिए, कि वेरिएबल के नेम से ही आपको पता चल जाए कि इसके अंदर किस तरह का डाटा होगा। फॉर एग्जाम्पल, इन ऑर्डर टू स्टोर सैलरी ऑफ अ पर्सन एप्रोप्रिएट वेरिएबल नेम कुड बी सैलरी और वेजेस, राइट। तो यानी एक हमने मीनिंगफुल नेम रख दिया उसका सैलरी या वेजेस के नाम पे। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन है उसको प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।